के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आया है। आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में फाइनली जो है छात्रावास अधीक्षक के सहायक अधीक्षक के पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकल कर आया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, आपके पास जो है कौन सा क्वालिफिकेशन जो है होना चाहिए, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो वो कितने अंकों के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो सहायक अधीक्षक के पदों पर जो है इस वक्त तक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सहायक अधीक्षक बनना चाहते हैं, आप जो है बन सकते हैं। किस तरह से आपको आवेदन करना है और किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होगा, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी जो है समझ में आ पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें सहायक अधीक्षक के पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ नोटिफिकेशन जो है देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र जो है जारी हुआ है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है। कन्या छात्रावास आश्रमों में निवासरत किशोरी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शासकीय नर्सिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएससी नर्सिंग डिग्री प्राप्त प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति के महिला संविदा के आधार पर जो है सहायक अधीक्षक नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्स सहायक अधीक्षिका के पोस्ट जो है निकला, और पोस्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बम्पर भर्ती है आप सभी स्टूडेंट के लिए। जो है टोटल जो है चार पदों पर जो है भर्ती होना है। जी हाँ, चार पोस्ट हैं, चार पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि आपका 10वीं बोर्ड से होना चाहिए, 12वीं भी आपका जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु यानी कि ये पोस्ट जो है वो सिर्फ एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट ही महिला इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वही हम बात करें मानदेय के बारे में कि वेतन आपको जो है कितना सैलरी जो है दिया जाएगा, तो इसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा आपको जो है इसमें पैकेज सैलरी जो है दिया जा रहा है। आपको प्रति माह जो है 12,000 रुपये एवं 3,000 यात्रा एवं अन्य व्यय प्रतिपूर्ति यानी टोटल हम सैलरी की बात करें तो टोटल इसमें जो है 15,000 रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिग अमाउंट आपका जो है सैलरी है। इतने सैलरी में आप अपने सपनों को आराम से जो है पूरा कर सकते हैं। तो बेझिझक आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो नियोजन की नियम एवं शर्तें आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको शर्तों के बारे में जो है पता होना चाहिए। यह नियोजन पूर्णतः अशासकीय होगा तथा उसकी सेवा क्षेत्र का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाकर योजनाकाल एक शिक्षा सत्र तक ही सीमित रहेगा। शासन द्वारा योजनाकाल में परिवर्तन या वृद्धि किए जाने पर तदनुसार कार्यवाही निर्धारित होगा। यदि योजनाकाल में वृद्धि नहीं होता है या शासन द्वारा योजना समाप्ति किए जाने की स्थिति में यह नियोजन स्वतः जो है क्या हो जाएगा, स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति के पदों की संख्या शासन के निर्देश पर चयन समिति द्वारा घटाया या जो है बढ़ाया जा सकता है। इसमें दोनों चीज़ हो सकता है, एक तो बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। वहीं हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। शैक्षणिक प्रशिक्षण हेतु जो है जीएनएम नर्सिंग यानी आपने किया है 80%, बीएससी नर्सिंग 85%, बीएससी नर्सिंग प्लस पीजी यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बीएससी नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग करके तो 90%, और अनुभव के आधार पर अधिकतम आपको 10 अंक प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको जो है अधिकतम जो है 10 अंक दिया जा सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 अंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आवेदक जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। दंतेवाड़ा जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी तथा जिले के निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य जिले के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यानी कि दंतेवाड़ा जिले के निवासी इसमें आवेदन करेंगे, अगर उस जिले के निवासियों के पास ये शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन नहीं होगा तभी दूसरे जिले के निवासी को लिया जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीदवारों की आयु जो 1 जनवरी 2019 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए तथा शासन के निर्देशानुसार
आयु में समस्त प्रकार के छूट को सम्मिलित करने पश्चात अधिकतम जो है 45 वर्ष से अधिक आयु जो है नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो 35 वर्ष और एज लिमिट में जो छूट दिया जाता है, तो कुल टोटल आपका आयु सीमा 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौंसल परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि आप कौंसल परीक्षा देने जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं दिया जाएगा, आप अपने खुद के पैसों पर जाएंगे। मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही उनकी चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। यानी आप ये सोचेंगे कि मैं बस फॉर्म फिलअप कर दूँगा उसके बाद सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपका देखा जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो है होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता अर्हता अब जो है देख सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र अंक सूची, नर्सिंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य है। दंतेवाड़ा जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, समस्त अधिकारी यानी कि आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। कई वीडियोस में मैं आपको बोलता ही हूँ कि रोजगार पंजीयन जरूर करा लीजिए। रोजगार पंजीयन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। यदि आप रोजगार पंजीयन कराते हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको जो है देखने को मिलता है। तो आप जो फॉर्म देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म है, इसी तरह से आपका जो फॉर्म रहेगा और आप जो है आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सहायक अधीक्षक के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आया, तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आप जो है कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से देखने को मिलेगा और 12,000 रुपये आपको सैलरी रहेगा और प्लस आपको जो है 3,000 रुपये जो है अलग से दिया जाएगा। यानी टोटल सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये आपको जो है सैलरी मिलेगा। तो 15,000 सैलरी आपका जो है कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बिग अमाउंट है। तो आपको इतना सैलरी जो है मिलेगा और आप अपने सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। तो सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए, आवेदन करना शुरू हो गए। आवेदन की जो है सो थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। प्लीज़ आप ही लोगों के लिए मैं इतने मेहनत से एनर्जी लगाकर वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ आप लोगों को भी अगर वीडियोस पसंद आता वीडियो को लाइक करके एक मोटिवेट किया कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ लेकिन आप ही अच्छे से रिस्पांस नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियोस को और इसी तरह से आप लोगों को नई नई वीडियोस मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका।